सो ये कीवर्ड्स हैं फूड. फूड इट इज ए सब्सटेंस इटन बाय अस टू वर्क ग्रो मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी, उसको हम फूड बोलते हैं. ये डेफिनेशन है. डिश अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फूड सर्व्ड एज ए पार्ट ऑफ मील इज नोन एज डिश. सरसों का साग, द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स आर ईटन एज वेजिटेबल. स्प्राउट्स, व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो बाय डेवलपिंग वेरी स्मॉल रूट्स दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स. फोटोसिंथेसिस, द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हर्बीवोर्स, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, जो प्लांट्स को खाते हैं. कर्ड, द पार्टली च्यूड फूड, जो फूड हम मतलब कम पार्टली आधा पूरी तरह से नहीं खाते उसको हम बोलते हैं कर्ड. कार्निवोर्स, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स एनिमल्स. ओमनीवोर्स, एनिमल्स विच दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. ठीक है, तो एक तो ये आपने याद करना है. ठीक है, उसके बाद अब ये क्वेश्चन आंसर हैं. राइट द एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, कौन से एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं. तो ये आप कोई भी नाम लिख दो, काओ, बुफेलो, गोट. ठीक है, देन सेकंड, राइट द एनिमल्स विच गिव अस एग्स, हेंस डक. राइट द एनिमल्स विच गिव अस मीट, मीट किससे मिलते हैं, फिश, हेन, गोट, प्रॉन्स. ऐसे कोई भी नाम आप लिख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ पल्सेस. पल्सेस जो होती हैं दालें, आर ए सोर्स ऑफ प्रोटीन विद हाई फाइबर कंटेंट. उनमें फाइबर भी काफी ज्यादा होता है पल्सेस में. ठीक है, तो इस तरह मतलब आप लिख सकते हो. उसके बाद नंबर फाइव है, डिफाइन सीरियल्स. सीरियल इज ए ग्रेन यूज्ड फॉर फूड, यूज्ड फॉर फूड. फॉर एग्जाम्पल वीट, मेज एटसेट्रा. ठीक है, ये सीरियल्स हो गए. नेक्स्ट है, राइट टू स्टेम्स विच आर यूज एज वेजिटेबल. स्टेम्स जिनसे हम वेजिटेबल एज ए वेजिटेबल खाते हैं, पोटैटो, अनियन, एक और चाहे लिख लो गार्लिक, लहसुन जिसको हम बोलते हैं. सेवन, बटर लीफी वेजिटेबल्स. लीफी वेजिटेबल्स कौन सी होती है, द प्लांट्स हुज लीव्स आर ईटन आर कॉल्ड लीफी वेजिटेबल्स. एग्जाम्पल आप किसकी दे सकते हो, मस्टर्ड. ठीक है, कैबेज, लेटूस एटसेट्रा. ठीक है, तो ये मतलब सलाद पत्ता वगैरह ये सारा जो है ये लीफी वेजिटेबल्स हैं, मस्टर्ड भी, कैबेज भी. ठीक है, तो ऐसे आपने लिखना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ. ठीक है, उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ फ्रूट्स, कोई भी लिख दो, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, जो मर्जी लिख दो. ठीक है,
फ्रूट्स ही लिखने हैं. नाइन, व्हाट आर द टू प्लांट्स विच आर ईटन एज फूड्स. दो प्लांट्स हमने बताने हैं जिनको हम एज फूड खाते हैं. नेम टू प्लांट्स विच आर ईटन, तो कोई भी प्लांट लिख दो, चाहे आप कैरेट लिख दो, रेडिश लिख दो, पोटैटो लिख दो, ठीक है, कोई भी प्लांट लिख दो जिनको हम एज फूड खाते हैं. कितने ही प्लांट हैं जो हम एज फूड खाते हैं. उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ सीड्स ऑफ द प्लांट. सीड्स आर मोनो कोटी लेडनस एंड डाई कोटिलेडनस. डाई कोटिलेडनस मोनोकोटिलेडनस भी है, डाई कोटिलेडनस लेडनस भी सीड्स होते हैं, ठीक है. मोनोकोटिलेडनस जिसमें एक ही, जैसे चने का दाना है उसके तो दो हिस्से हो सकते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डाई कोटिलेडनस, ठीक है. और मोनोकोटिलेडनस जिसमें दो हिस्से ना हो सके.